गुवाहाटीबाट सियालदा जाँदै गरेको कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस रङपानी स्टेशन नजिकै दुर्घटना भएको खबर आएको छ। यस घटनामा धेरै हताहत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने वर्तमान स्थिति राहत तथा बचाउको काम तीव्र गतिमा सुरु गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्कहाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. আপনার নামটা কি বলবেন? আমার নাম काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि स्पीड से चल रहा है और मुझे लगता है घंटा दो घंटा और लगेगा स्थिति को और सामान्य और क्लियर होने में। बारिश भी हो रहा है, मौसम थोड़ा ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है और कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अभी आंकड़े स्पष्ट नहीं है लेकिन 5-6 के आसपास अभी तक हो चुकी है, जो गाँव वालों का जिन्होंने बॉडी को बाहर निकाला और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं और कुछ 25-30 लोगों के आंकड़े सामने आए जिनको चोटें आई हैं, उनको यहाँ से अस्पताल रवाना कर दिया गया है और स्थिति अभी यही है। हम सबकी प्रायोरिटी इस समय यही है कि हम रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करें। जो रंगा पानी के पास जो दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना घटी, मैं सवेरे से लगातार वहाँ पे उपस्थित था। अभी रेस्क्यू का काम करीब करीब वहाँ पूरा हो गया है। मैं अस्पताल में घायलों की स्थिति का जानकारी लेने के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अभी अस्पताल विजिट करके बाहर निकला हूँ। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति का जो है बॉडी का पार्ट मिला है, यानी आप ये मान के चलिए 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और टोटल यहाँ पे 52 लोग यानी 52 लोगों को अस्पताल में लाया गया था, जिसमें से 8+1 9 लोग नहीं रहे और बाकी जो 43 लोग हैं उसमें से 4 लोग और एक छोटी बच्ची, 5 लोग थोड़ा सा क्रिटिकल है और बाकी मैं सबको देख कर के आया, कुछ माइनर चोटें हैं। सो 5 लोग थोड़े क्रिटिकल है, 9 लोगों के हिसाब से मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोग से जो बचते हैं उनका इलाज चल रहा है। ये इस समय का দুইটা লাইনত একখানে গাড়ি और इधर ब्रिटिश में से वाकिंग
मृत्यु हो गई।